आज की इस आधुनिक युग का मनुष्य प्रकृति को बहुत ही साधारण और तुच्छ समझने लगा है, क्योंकि प्रकृति हर जगह मौजूद है, इसलिए लोग इसे आसानी से मिलने वाला एक तुच्छ वस्तु समझने लगे हैं। हो सकता है आपको मेरी यह बात बुरी लगे, परंतु यह इस संसार का एक सबसे बड़ा सच है। प्रकृति को एहसास करना और इसे समझना हर किसी व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। आज के इस आधुनिक युग में ज्यादातर लोग अपना ज्यादातर समय टेलीविजन देखकर और इंटरनेट चलाकर बिताते हैं। यही दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी मानसिक तनाव को जागृत करता है। अपने काम के साथ साथ कुछ दिनों के लिए हमें प्रकृति का भी आनंद लेना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही वह शक्ति है जो हमें इस विश्व में सब कुछ प्रदान करती है, चाहे वह हमारा खाना हो या हमारा जीवन। प्रकृति में वह शक्ति होती है जो शरीर से कई बीमारियों को दूर कर देता है। हरियाली से मन का तनाव भी कम होता है और दिमाग को शांति मिलती है। अगर आप पर काम का बोझ ज्यादा है और ज्यादातर समय अगर आप मानसिक तनाव से घिरे रहते हैं, तो अपने मन को शांत करने के लिए प्रकृति का आनंद उठाएं। प्रकृति हमारा सबसे बड़ा मित्र है, क्योंकि हम इस ग्रह पृथ्वी पर रहते हैं और इसके सभी क्षेत्रों में प्रकृति का सौंदर्य देखने को मिलता है। प्रकृति से ही हमें पीने को पानी, शुद्ध हवा, जीव जंतु, पेड़ पौधे, अच्छा भोजन और रहने को घर मिलता है, जिससे मनुष्य एक बेहतर और अच्छा जीवन व्यतीत कर पाता है। हर एक व्यक्ति को पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़े बिना इस सुंदर प्रकृति का आनंद उठाना चाहिए। पर्यावरण और प्रकृति के विनाश को रोकने के लिए हमें इसे स्वच्छ रखना होगा। प्रकृति ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया एक अद्भुत उपहार है। प्रकृति ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया, परंतु मनुष्य हमेशा इसे बर्बाद करने में लगा हुआ है। मनुष्य ने पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव जैसे कई प्रकृति के विनाश करने वाले कारणों को अपने लाभ के लिए उत्पन्न किया। आज के टेक्नोलॉजी की दुनिया में कई नए आविष्कार किए जाते हैं, परंतु इन आविष्कारों से प्रकृति पर क्या असर पड़ेगा यह कोई नहीं सोचता है। हमें जितना हो सके अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए और अपने क्षेत्र में वनीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। प्रकृति में मनुष्य का जितना महत्व है उतना ही जानवरों का भी है। पृथ्वी में अगर जीव जंतु ना हो तो पृथ्वी में जीवन असंभव है, इसलिए हमारे प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए जीव जंतुओं का सुरक्षित होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए जानते हैं हम प्रकृति का संरक्षण कैसे करें। पेड़ों की कटाई को बंद करके, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करके हमें अपने आसपास के प्रकृति को स्वच्छ रखने में पूरा योगदान देना चाहिए। सभी प्रकार के पर्यावरण प्रदूषणों को रोकने के लिए जरूरत के सभी कदम उठाने होंगे। हमें जल संरक्षण पर भी ध्यान देना होगा, जिससे कि आने वाले समय में मनुष्य को पानी की कमी ना हो। आशा करते हैं दोस्तों प्रकृति पर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।